जय श्री राम दोस्तों, SSC मैथ कोचिंग में आपका स्वागत है। आज 17 मार्च 2020 के जितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। क्वेश्चन क्यों चलते हैं, पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस क्यों मनाया जाता है? देश के नागरिकों को टीका के महत्व के बारे में बताने के लिए हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन दो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 500 रुपया का जुर्माना लगाया है? ये गुजरात सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 500 रुपया का जुर्माना लगाया है। अब बात है गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा, गवर्नर वजुभाई पाला। अब केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर पेनरे दिव्यांग, गवर्नर RS मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में महाराष्ट्र में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो नाना शंकर सेठ के नाम पर महाराष्ट्र के मुंबई रेलवे रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। यह नाना शंकर सेठ एक परोपकारी शिक्षाकार थे, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पारंपरिक फूल देई त्योहार कहाँ शुरू किया गया है? तो इस त्योहार का शुरुआत उत्तराखंड में किया गया। यह पारंपरिक फसल दिवस है, इसमें लड़कियां फूल तोड़कर अपने घरों को सजाती हैं फसल के ठीक पहले होने के ठीक पहले। अब बात है उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। कर्नाटक का ठीक करा लिए थे आपको। अब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? यह दक्षिण अफ्रीका देश ने कोरोना वायरस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। अब बताया अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लोम फाउंटेन। केपटोन है जो लैटिट्यूटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एक्टिट्यूटिव कैपिटल है, और ब्लोम फाउंटेन जुडिशियल कैपिटल है। करेंसी यहाँ का क्या है? दक्षिण अफ्रीका की करेंसी साउथ अफ्रीकन रेम। प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेरेमा ओझा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने COVID-19 को ट्रैक करने के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। इस पोर्टल से किस देश में कितने फैले हैं इस पोर्टल से पता चलेगा। अब बात है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुआ? तो 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ? Washington DC। CEO कौन है? तो सत्या नाडेला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टेबल टेनिस में ओमान ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो अचंता शरत कमल ने पुर्तगाल के मार्कोस फ्रीटास को हराकर ओमान ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है। अब बात आए ओमान, ओमान की कैपिटल कहाँ है? तो मस्कट। करेंसी क्या है? तो ओमानी रियाल। पीएम कौन है? त
हेफेन बिन ताफी अलसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो देवाशीष पांडा को आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के निदेशक नामित किया गया है। अब बात है आरबीआई की स्थापना 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई, गवर्नर शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कितने नंबर के गवर्नर है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? तो बैक्टर एक्सेलेंस और ताई जू इंग ये दोनों जीते हैं। डेनमार्क के पुरुष पुरुष में विक्टर एक्सेलेंस तसेन ने जीता है और पाइकी की है ताई त्यूज इंग ने महिला में जीता है। ये महिला में जीता है, ये पुरुष में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने COVID-19 के लिए कितने मिलियन डॉलर आपातकालीन निधि जारी की है? तो ये 10 मिलियन डॉलर की आपातकालीन निधि जारी की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वीमेन ऑन बोर्ड 2020 अध्ययन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? कौन सा शीर्ष पर रहा? ये नॉर्वे रहा। वीमेन वीमेन ऑन बोर्ड का मतलब है कि वैश्विक कंपनी बोर्ड में महिलाओं की उपस्थिति के आधार पर वीमेन बोर्ड 2020 का अध्ययन जारी किया गया था। इसमें शीर्ष पर कौन रहा? तो ये नॉर्वे रहा। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीटों और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं शुरू की हैं? तो मणिपुर की सरकार ने एथलीटों और कलाकारों में भाग लेने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ राशि के रूप में दिया जाता है, यही प्रोत्साहित करने के लिए योजना लागू की है। कहाँ की सरकार ने? मणिपुर की सरकार ने। कैपिटल, अब मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। चीफ मिनिस्टर एम बीरेन सिंह। गवर्नर नजमा हेतुल्ला। अब बात कर लेते हैं हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। गवर्नर भगत सिंह कोशियार। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।